नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू जी आयुर्वेदा। यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, पहचानिए इस औषधि पौधे को। इसके मैं आज इतने बेहतरीन फ़ायदे बताऊंगा जो अनुभूत प्रयोग किए हुए हैं और आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो पहला प्रयोग बताऊँगा ना, वह आपके सोराइस जैसी बीमारी को ख़त्म करने का ज़बरदस्त उपाय है और साथ ही साथ दाद, खाज, खुजली का भी निदान बताऊंगा। इसके साथ इसका जो दूसरा प्रयोग बताऊंगा ना, वह आपके वात रोग, ज्वाइंट पेन और घुटनों के दर्द को लेकर के। और इसका जो तीसरा प्रयोग है ना, वह है दोस्तों आपके फाइलेरिया की बीमारी को ख़त्म करने के लिए। हालांकि फाइलेरिया का अभी तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बना है, लेकिन हमारे पूर्वज इस औषधि पौधे का प्रयोग करके फाइलेरिया जैसी, हाथी पांव जैसी बीमारी को भी जड़ से ख़त्म कर सकते थे। और ये अनुभूत आप आजमाइएगा। अगर आप काफ़ी ट्रीटमेंट किया है, फाइलेरिया जड़ से नहीं जा रहा है, तो इस औषधि प्रयोग से आपका फाइलेरिया कितना भी पुराना हो, जड़ से ठीक हो जाएगा। तो एक बार जरूर प्रयोग कीजिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। दोस्तों ये जो औषधि पौधा है ना, ये है मदार। इसे मदार, आक, अर्क या फिर अकोवन के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। और प्रायः ये दो प्रकार का होता है, एक सफ़ेद फूल वाला, एक बैंगनी फूल वाला। तो सफ़ेद फूल वाला हो सके तो आप इसका इस्तेमाल करें, और जहाँ सफ़ेद फूल वाला ना मिले ना, तो बैंगनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दोनों में सेम बराबर गुण होते हैं। और इसको तोड़ने से ये दूध निकलता है। अब इसका पहला प्रयोग बताता हूँ आपके सोराइसिस में, जिन्हें सोराइसिस भयंकर आपको अगर सोराइसिस है ना, तो उसमें आप इस आक के दूध, इस अकवन के दूध को और थुवर के रस में अगर सरसों के तेल में डाल करके पकाते हैं ना, यानी कि अकवन का दूध, थुवर का रस और सरसों का तेल, इन तीनों को अगर पका लेते हैं और जब तेल बच जाता है और उस तेल को अगर लगाते हैं, तो ये आपके चर्म रोग, दाद, खाज, खुजली जैसी समस्या को दूर करता है। और सोराइसिस की तो यह रामबाण दवा है। इसका दूसरा प्रयोग है आपके सड़े गले घावों पर। जिनके सड़े गले घाव होते हैं ना, वे बहुत बेकार होते हैं। तो इनकी फलियों में जो रुई लगी होती है, उस रुई को अगर घाव पर रखते हैं, तो ऐसा करने से घाव का रोपण होता है। इसके साथ ही साथ आपके जिन्हें घुटनों, जोड़ों में जिन्हें दर्द बना रहता है, जिन्हें ज्वाइंट पेन की समस्या बनी रहती है ना, वह आक के पंचांग को, अकौवा का ये जो पंचांग है ना, इस पंचांग को आप सरसों के तेल में डाल करके पका लें और उस तेल को अगर लगाते हैं, तो यह आपके आपका घुटनों का, जोड़ों के दर्द को दूर कर देता है। अब इसका लास्ट जो अंतिम प्रयोग है ना, वह है दोस्तों फाइलेरिया के लिए। फाइलेरिया जिसे हाथी पांव कहते हैं, शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, हाथ में, पैर में, जो देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है और फाइलेरिया बढ़ता ही जाता है। तो फाइलेरिया के लिए आपको लेना है काला धागा। काला धागा सबसे पहले आपको लेना, और दूसरे में आपको लेना है अकवन की जड़। कोशिश ये करें कि सफ़ेद आक की जड़ ही होना चाहिए, और उसके पांच छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। अकवन की पतली जड़ और पांच छोटे छोटे टुकड़े, और काले धागे में इस प्रकार से बांधिए कि ये पांचों टुकड़े बन जाए, और उस स्थान पर इस धागे को बांध दीजिए जहाँ पर आपका फाइलेरिया है। तो देखेंगे कि तत्काल ही फाइलेरिया बढ़ना रुक जाएगा, फिर नहीं बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपका फाइलेरिया घटते घटते एकदम वैसा ही हो जाएगा जैसा आपका अंग पहले था। फाइलेरिया पता भी नहीं चलेगा कि कब और किस स्थान में था। धन्यवाद।